समझी जी, हम धर्मपुरी वाले हैं, जात पात मानते नहीं और दहेज हम लेंगे नहीं। ऐ सुनो, ये पुलिस स्टेशन है, शादी का मंडप नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आजकल आधी शादियां तो पुलिस स्टेशन में ही होती है ना, टेंशन क्यों लेते हो? एक डेली कैलेंडर मंगाओ, तारीख पक्की करनी है। देखो भाई, सारा खर्च हम करेंगे, पूरे रीति रिवाज के साथ शादी होगी। बेटी बच्चा हुआ तो उसे अपना दूध पिलाओगी ना? अरे तुम क्या, वो क्या रही? उसे पूछ रही हूँ कि पाउडर का दूध तो नहीं पिलाएगी ना, बच्चे की सेहत भी जरूरी है। मैंने अपने शिवाजी को 5 साल तक अपना दूध पिलाया था। ऐसा दिखता नहीं है कि दूध पिया है, ऐसा लगता है कि डाबर पीपी के बड़ा हुआ है। माँ, मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मेला हो जाता बेटा। स्वीट मम्मी, देखिए पहले मुहूर्त में शादी कर देंगे, राजनारायण हॉल में। बस बस बहुत हो गया, तुम सब पागल हो गया या हम लोगों को पागल समझ रखा है? जी हाँ। क्या जी हाँ, आपका तरीका बिल्कुल गलत है। आप कौन हो, क्या हो, क्यों हो, ये सब जाने बगैर शादी कैसे करवा सकते हैं? इनका बस चले तो शादी के साथ गोद भाई भी नहीं करवा के। चलो उठो सब। इंस्पेक्टर, हमें घर तक के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। जाने दे भांजे, बहुत भाव खा रहे, तेरे लिए 1000 लड़कियां क्यों में खड़ी है? नहीं मामा, अपनी पसंद की लड़की मिल जाए तो घर के आंगन में खुशियों की बहार आ जाए। ये तो ट्रक के पीछे लिखने वाला स्लोगन है। नमस्ते सर। नमस्ते। मंत्री जी हैं? आदि शेषन साहब आए। अरे आइए आइए, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता, बैठिए ना। ये बेकार का नाटक बंद करो आनंदम, मेरा एक दुश्मन शिवाजी यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अमेरिका से आया हुआ है, तुम सब क्या पार्ट बन रहे हो यहाँ पर? क्या कह रहे हैं, मुझे तो कोई खबर ही नहीं।